बेंटेन यूनिवर्स के सबसे पावरफुल विलन्स में से एक एल्बिडो। अब एल्बिडो बेंटेन यूनिवर्स का काफ़ी पावरफुल विलन तो है ही, बट इसी के साथ साथ एल्बिडो बेंटेन फैंस के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अब अगर मैं आपको सच बताऊं कि एल्बिडो इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, तो एल्बिडो के पॉपुलर होने का जो रीज़न है वो ये है कि एल्बिडो का जो लुक है वो हमारे बेन की तरह है, और हमारे बेन की तरह एल्बिडो का लुक होने की वजह से ही बेंटेन फैंस एल्बिडो को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब जिसने बेंटेन की सीरीज को देखना स्टार्ट ही किया होगा, उसे भले एल्बिडो का नाम ना पता हो, पर उसे इतना ज़रूर पता होगा कि बेंटेन की सीरीज में एक लाल रंग का बेन भी है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी लाल वाले बेन की बात करने वाले हैं। मेरा मतलब आज की इस वीडियो में हम एल्बिडो की बात करने वाले हैं कि क्या एल्बिडो हमेशा बेन की बॉडी में फंसा रहेगा, क्योंकि हम सबको पता है कि एल्बिडो एक गैल्विन है जो अपने नॉर्मल फॉर्म यानी गैल्विन फॉर्म में जाने के लिए कई सारे ट्राई करता है, बट वो अपने नॉर्मल फॉर्म में नहीं जा पाता है। सो क्या कभी फ्यूचर में या बेंटेन की न्यू सीरीज़ में एल्बिडो अपने नॉर्मल फॉर्म में जा पाएगा यानी गैल्विन फॉर्म में जा पाएगा, या हमेशा ही एल्बिडो बेन की बॉडी में फंसा रहेगा। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या एल्बिडो हमेशा के लिए बेन की बॉडी में फंसा रहेगा या फिर वो अपने नॉर्मल फॉर्म में भी जाएगा। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाली है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। तो चलिए गाइस, अब बिना किसी और टाइम वेस्ट किए इस ऑसम से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बेंटेन क्रिएटर्स ने एल्बिडो को बेंटेन की सीरीज में क्यों इंक्लूड किया। तो देखो यार, सबसे पहले आई बेंटेन की क्लासिक सीरीज जो काफ़ी हिट गई थी, एंड यार ये सीरीज अब तक की बेस्ट बेंटेन की सीरीज में काउंट की जाती है। अब इस सीरीज के जो कुछ कैरेक्टर्स थे जैसे विल गैक्स, बेन, ग्वेन, ग्रैंडपा मैक्स, ये सब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। एंड जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कैरेक्टर हुआ जिस पर ये पूरी की पूरी सीरीज बनी थी वो था हमारा बेन। जी हाँ गाइस, बेन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया और आप सब ने बेन को काफ़ी ज़्यादा ही प्यार दिखाया। तो बेंटेन क्रिएटर्स ने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसे विलन को ले आएँ जिसका लुक काफ़ी हद तक या कहें तो पूरा का पूरा सेम हो हमारे बेन से, और उस पर भी हमारे बेन की तरह एक ऑमनेट्रिक्स हो। तो क्या वो कैरेक्टर या कहें तो विलन फेमस होगा? क्या बेंटेन फैंस उसे पसंद करेंगे? तो इसी पर एक रिस्क लेकर बेंटेन क्रिएटर्स ने बेंटेन की नेक्स्ट सीरीज यानी कि बेंटेन की एलियन फोर सीरीज में एक बेन जैसा दिखने वाला विलन को इंक्लूड किया जिस पर एक ऑमनेट्रिक्स थी, और उस विलन को बेंटेन फैंस ने काफ़ी हद तक प्यार दिखाया, और इसी वजह से एल्बिडो अब तक के सबसे पॉपुलर बेंटेन के विलन्स में से एक बन गया। सो अब तो हमने जान लिया कि क्यों एल्बिडो को बेंटेन की सीरीज में इंक्लूड किया गया। अब हम जान लेते हैं कि क्या एल्बिडो हमेशा बेन की बॉडी में फंसा रहेगा। तो देखो यार, जहाँ तक मुझे लगता है कि बेंटेन क्रिएटर्स एल्बिडो को वापस कभी गैल्विन बनने का कोई रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि एल्बिडो बेन की बॉडी की वजह से ही इतना ज़्यादा पॉपुलर है, और अगर बेंटेन क्रिएटर्स एल्बिडो को उसके गैल्विन फॉर्म में कर देते हैं तो बेंटेन फैंस एल्बिडो को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि एल्बिडो की जो पॉपुलैरिटी है वो सिर्फ बेन की बॉडी की वजह से है। और अगर बेंटेन क्रिएटर्स ने एल्बिडो को उसके गैल्विन फॉर्म में कर दिया तो जो एल्बिडो है उसकी दुश्मनी बेन से ख़त्म हो जाएगी और एजमट से भी ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद एल्बिडो का बेंटेन की सीरीज में कोई भी काम नहीं होगा। उसके बाद एल्बिडो का मुझे नहीं लगता कि फिर कभी एल्बिडो का अपीयरेंस बेंटेन की सीरीज में होगा उसके गैल्विन फॉर्म में जाने के बाद। ये बात बेंटेन फैंस को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि एल्बिडो जैसा पावरफुल विलन बेंटेन की सीरीज से हट गया, और एल्बिडो के फैंस को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। सो मुझे नहीं लगता कि बेंटेन की फ्रेंचाइजी यानी कि बेंटेन के क्रिएटर्स इतना बड़ा रिस्क लेंगे कि वो एल्बिडो को उसके गैल्विन फॉर्म में कन्वर्ट कर बेंटेन की सीरीज से हटा दे, क्योंकि एल्बिडो बेंटेन की सीरीज का काफ़ी पावरफुल विलन है। सो मुझे लगता है कि एल्बिडो हमेशा बेन की बॉडी में फंसा रहेगा, और शायद से ही एल्बिडो बेन का अपोनेंट हमेशा के लिए रहेगा। अब शायद मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि बाद में एल्बिडो को रियलाइज़ हो जाए कि जो ह्यूमंस हैं वो भी गंदे नहीं होते हैं, और शायद क्या पता बाद में जो एजमट हैं वो एल्बिडो को उसके गैल्विन फॉर्म में कर दें, क्योंकि ऐसे फिर एल्बिडो का जो रोल है वो भी ख़त्म नहीं होगा, एल्बिडो भी हमें एजमट के साथ फिर हमेशा देखने को मिल सकता है। सो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, वैसा कुछ हो सकता है बेंटेन की आने वाली सीरीज में। अब मैं ये कन्फर्म नहीं कह रहा हूँ कि जैसा मैंने आपको बताया है वैसा ही होगा,
ये सिर्फ मेरी थ्योरीज हैं, अब आप इसको कोई ऑफिशियल कन्फर्म्ड आंसर मत समझ लीजिएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था, आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ गाइज अब इस वीडियो को लाइक करके अपने जैसे बैंटन फैंस के पास शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।